नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई, खतरनाक स्थिति की बात है मैं बता दूं, और ये घटना शायद और भी लोगों के साथ ऐसी हो सकती है कि एक इंसान पहली बार देखने में सुनने में आया है कि एक अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से डरते हुए 6 साल से सऊदी अरेबिया में बैठा है। जी हाँ, उसको डर है कि अगर मैं इंडिया में आऊँगा तो मेरी वाइफ मुझे जेल में, थाने में फंसवा देगी, मेरी जेल करवा देगी। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मुक्तसर साहब पंजाब में पड़ता है, आपको सबको पता है साथियों। वहाँ के निवासी अवतार सिंह जो पिछले 6 साल से सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है। अगर आपने देखा और नहीं होगा तो भाई शायद यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उन्होंने खुद अपने बयान में बोला है कि मैं 6 साल से सऊदी अरेबिया में बैठा हूँ, मैं मेरे माँ बाप से और बच्चियों से मिलने को तड़प रहा हूँ। जी हाँ, 6 साल भैया बहुत लंबी होती है, और इसका नहीं, मेरा, मैं सऊदी अरेबिया से इंडिया नहीं आ पाने का एक ही कारण है मेरी पत्नी जसक्रीत कौर। जी हाँ, वो इसका रीज़न बता रहा है। उन्होंने झूठे मुकदमे उस पर कोर्ट में, थाने में लगा रखे हैं। भाई औरत, आपको पता है इंडिया में कानून कितने भयंकर तरीके से बने हैं, 100% श्योरिटी औरत की और 1% श्योरिटी आदमी की। ये इतना स्थिति रियल में है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ, मुझे सब पता है। तो इसलिए ये बंदा डरते हुए इंडिया नहीं आ पा रहा है। उन्होंने ये बताया है कि अगर मेरे को कल को कुछ वहाँ पे हो जाता है, कुछ भी मेरी मौत हो जाती है, तो मेरे पत्नी और मेरे ससुराल वाले जिम्मेदार रहेंगे। जी हाँ, जैसे वीडियो वायरल हुआ, आपको पता है साथियों, पत्रकार घर पहुँच जाते हैं, तो इनके पत्रकार इनके घर पे गए, उन्होंने पूछा, उनके माँ बाप से मिले, तो उन्होंने बताया जी हाँ, हमारी बहू और उनकी पत्नी ने 3-4 मुकदमे कर रखे हैं, वो डरता नहीं आ पा रहा है। अब डरने का मतलब तो हम यही मानते हैं भाई, साहूकार है, अगर एक वैसे होता तो फिर सामना करता वहाँ पे, यहाँ पे आके, लेकिन उनको कानून का डर लग रहा है, इस वजह से वहाँ बैठा है। उन्होंने बोला है कि मैं मेरी बच्ची माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, लेकिन इनका समझौता नहीं हो पा रहा है। उनके पिता ने ये बात बताई कि भाई कई बार पंचायत में भी फैसला गया, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। उनके जो हिस्से की जमीन है, उनके बाग का ठेका भी उनको, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को दिया जाता है, उनके लिए अलग से गाँव में मकान भी बना दिए हमने, और बच्चियों को स्कूल में भी डाला है। उसकी वाइफ ने उनको स्कूल से निकाल लिया, वो वहाँ उनको नहीं पढ़ा रही है, वो अपने पीयर में जाके बैठी है, उनके साथ में मिलके, उनके साथ, उनका टारगेट सीधा सीधा है कि इनके नाम से जितनी भी प्रॉपर्टी है वो पूरी मेरे नाम कर दें, बस बात प्रॉपर्टी की है भाई। उन्होंने साफ बोला है कि मैं प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ। बाद में पत्रकार पहुँच गए उनकी वाइफ के पास, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम भयंकर लगाया, 6 साल उनको वहाँ पे बैठे हो गए, उन्होंने वहाँ पे दूसरी शादी कर रखी है, वो हमारी बच्चियों का ध्यान नहीं देते, वगैरह वगैरह। मैं मेरे बच्चियों को पालने के लिए उनके हिस्से की पूरी ज़मीन लेकर रहूँगी। जी हाँ, ये बात उन्होंने बोली है। तो पहली बार ऐसा मामला सामने आ रहा है कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से डरते हुए 6 साल सऊदी अरेबिया में बैठा है, और 6 साल एक तरह बैठना भाई जेल की तरह, आप मान सकते हैं कि जेल की तरह वहां पे बैठा है। तो भाई देखिए, अगर आप मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे तो दिल को कड़क करके आप पहुंच जाओ इंडिया। जी हाँ, और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला आपका, कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको इस बात की, कुछ नहीं होने वाला आपका। आप एक बार इंडिया आइए तो सही, डर के पास जाओगे तो डर निकलेगा, और डर से जितना दूर भागोगे तो डर ज़्यादा भय होगा। जी हाँ, ऐसी और भी किसी भाई के साथ कोई प्रॉब्लम है तो भाई डरने की जरूरत नहीं है। कानून में महिलाओं को ज़्यादा संरक्षण दिया गया है, जी हाँ, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन झूठ झूठ होती है। अगर उनकी वाइफ झूठ है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये कहीं ना कहीं आप सच्चाई की जीत होगी। अगर आप गलत हो तो भाई आपको फिर सजा भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ, कानून सबके लिए बराबर होता है, एविडेंस देखने होते हैं, ठीक है, मुकदमा हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन छानबीन भी तो कोई चीज़ होती है, गांव मोहल्ले वाले भी तो बैठे हैं। अगर कोर्ट में क्या, अगर आपकी वाइफ नहीं आती है तो भरण पोषण का मुकदमा लगाएगी, तो आप उनको भरण पोषण दें, महीने की महीने जो भी वो तय करती है अदालत, तो वो उनको दें। आपके हिस्से में प्रॉपर्टी आती है तो भाई वो तो उनको देनी पड़ेगी फिर, अगर ये फैसला होता है तो। और अगर राजीनामा हो जाता है, 6 साल कोई ज़्यादा नहीं हुए, राजीनामा, आपके 3-3 बच्चियाँ हैं, तो राजीनामा हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंडियन कानून आपके हक के लिए है, आप भी अच्छा सा लॉयर करें, और लॉयर के आप वकील करें, वकील के सानिध्य में आप अपना केस को आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ भी होने की, डरने की जरूरत नहीं है। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।